रश देखकर आयो, यहीं से बंदा हर महीने चला जाता है, कर्म होता है ना। शेर सुनिए, सारे बोलिए सुभान अल्लाह। सिंधी लोग कितने बैठे हैं, सिंधी समझने वाले, माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे मेरे अपने हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। बलूचिस्तान के एक शायर हैं राशिद भाई, सूफी रखेल शाह, उन्होंने हुजूर का दीदार किया। क्या कहा आपने? उन्होंने हुजूर का दीदार किया, पूछने वाले ने पूछा, बताओ ना मेरे आका कैसे हैं, बताओ ना मेरे आका की पर्सनैलिटी कैसी है। अब सूफी रखेल शाह साहब ने कलम उठाया और हुजूर का जो है पूरा वो हुजूर के औसाफ बयान किए, फरमाते हैं, ज़ेब ज़ीनत ज़ुल्फ़ टहल वला नूर भरे, दहन शकर पुरशी गंग अंगारी दहन शकर पुरशी कीमत लबाबा लाल लहन हल कीमत लबाबा लाल लहन हल दूध भरे राज भरे जे रुख दे निस्बतों के सौदे हैं, वो जिससे चाहते हैं अपना काम निकलवाते हैं। अब हुजूर का हर दीवाना ऐसे पूरा हाथ उठाए रसूल अल्लाह के लिए और बोले, सच्ची सूरत मुझे सोने जी, सच्ची सूरत पूछा और बताओ, और बताओ, और बताओ मेरे आका कैसे हैं। अब क्या शाह साहब लिखते हैं,
अबरू कमान हुजना पिंपड़ियों तीर लगन कमान में से तीर निकल रहा हो और जब तीर निकलता है ना तो या तो जख्मी करता है या तो बेड़ा पार कर देता है। क्या फरमाते हैं? हाँ अबरू कमान हुजन Thank you.
खूबसूरत बात है। अब जिसका दिल करे वो हाथ उठा के बोले बैठा करो यार, उलमा के पीछे आ जाओ, खुदा की कसम इनकी जूतियां उठाने वाले बन जाओ, देखो अल्लाह कैसी इज्जत से नवाजेगा इंशाल्लाह। हम लोग हैं खुल्द कहते हैं जन्नत को, अब सुनिए। हाँ खुल्द में हो अंगूठा लगाते हैं फिर दाखला मिलता है, लेकिन अगला मिसरा दौड़ वालो मुझे नहीं पता आज क्या माहौल बन जाएगा अगले मिसरे पे, सुनिएगा। खुल्द में हो इस शान से या रसूल अल्लाह एक एक अशार मनकबत का इंशाल्लाह पेश करके मैं अपनी जगह लूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह, जो टाइम दिया है उससे भी शॉर्ट कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना सर भाई। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ गंगी गोदे
काश मेरे दी बन जाए ज्योति चल यार दे पैरियां अली का नाम लेता हूँ मुनाफिक कट 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 के गिरते हैं बताओ ए अली वालों मेरी तलवार कैसी है चंदे दे
सिद्ध